गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एस के एस इंग्लिश क्लास बैक अगेन। डियर स्टूडेंट, जस्ट वी आर लर्निंग नरेशन। मैंने आपको नरेशन से संबंधित लगभग सारे बता दिए। कल मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी यस और नो वाले पैटर्न पे। डियर, आपको अच्छी तरह से यस और नो वाला पैटर्न समझ में आया होगा। हम लोग नरेशन के अंतिम पायदान पे हैं। नरेशन डियर स्टूडेंट बहुत से प्रकार के होते हैं, मैंने एक एक करके आपको डिटेल में बताए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सारी जो आपके आरबीएससी बोर्ड पैटर्न में हैं डियर स्टूडेंट, मैं उनको एक एक करके डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे वापस पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको गाइडेंस दूंगा। डियर, नरेशन मैंने बताया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको यस और नो वाला बताया था। डियर स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आते रहते हैं डायलॉग से संबंधित स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट या इनको डायलॉग वाला कहा जाता है। एक कथन या संवाद, टिप्पणी भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट को। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं जो दो पर्सन में बातचीत होती है और दो दो आपके सवाल सामने आएंगे और उन दोनों को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कि रमेश नाम का एक लड़का है। रमेश सैड, रमेश ने कहा, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये एक स्टेटमेंट है, एक रमेश की द्वारा कहा गया वाक्य है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुडे। डियर स्टूडेंट, अब इसका जो रिप्लाई दे रहा है वो मान लीजिए संजय हैं, और संजय सैड, संजय ने कहा, आई एम, संजय ने कहा, संजय सैड, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। डियर स्टूडेंट, अब दो दो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में आएगा। ये कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, शायद इस बार भी आपके पूछ लें, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है। रमेश सैड, रमेश ने कहा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो डायलॉग है, संवाद है, वो रमेश के द्वारा कहा गया है और सुनने वाला जो लिसनर है वो संजय है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रमेश स्पीकर है, बोलने वाला है, तो संजय जो है वो लिसनर है। उसके बाद रमेश के जो क्वेश्चंस है उसका जो रिप्लाई दे रहा है वो संजय है। हमें माइंड अप करना है दो टाइप से कि यहाँ पर दो कथन है, दो स्टेटमेंट है, दो यहाँ पर डायलॉग है। पहला रमेश है और रमेश के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। जब हम अंदर की तरफ जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रमेश ने कहा है कि वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। यानी रमेश जो है वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। ये कैसे हमें पता चला? ये हमें अंदर जाने पर पता चला कि अंदर वेयर से स्टार्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो डियर स्टूडेंट, हमें आसानी से पता लग गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है।
क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, डू डज डीड यानी ऑक्सिलियरी से संबंधित होता है। अगर वो यहाँ पर होता तो हमें पता है कि हम यहाँ पर कनेक्टिव इफ लगाते हैं, लेकिन दोनों में सेट टू की जगह हमें आस्कर तो लगाना ही है क्योंकि क्वेश्चन है, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो या WH वाला हो, यहाँ पर सेट जो है वो आस्कर में बदल जाएगा। तो इन्हें कैसे करेंगे वो देखें, डियर स्टूडेंट इनको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर विशेष ध्यान देना, स्टेटमेंट डायलॉग वाले हैं ये आपके बोर्ड में आते रहते हैं। सबसे पहला जो हम इनडायरेक्ट बदलेंगे डियर स्टूडेंट, वो पहला सेंटेंस बदलेंगे, रमेश सैड, रमेश ने कहा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले इसको बदलेंगे तो हमारा जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा रमेश। अब प्रश्न हो रहा है तो हम लिखेंगे रमेश आस्कर्ट वायर, फिर यहां पर कनेक्टिव वायर ही लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है डियर स्टूडेंट कि जहां भी WH वर्ड होता है वहां पर WH वर्ड ही कनेक्टिव होता है, तो ये वायर का वायर आ गया। अब R को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, लात मार दीजिए, यू की छोटी पकड़िए। अब देखो यू सेकंड पर्सन में आता है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना, दो कथन दिए हुए हैं तो दो में से ये स्पीकर हैं, ये लिसनर हैं। स्पीकर हमेशा सब्जेक्ट होता है, लिसनर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट आप आ जाइए ऑब्जेक्ट के पास, संजय एक लड़का है तो क्या आएगा, ही। अब आप टेंस को देख लीजिए, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अकॉर्डिंग टू बार, मैंने जो आपको सारणी लिखवाई थी उसके अनुसार डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा चेंज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या लेंगे, वॉज, और गोइंग का गोइंग। फिर टुडे किस में बदल जाता है, डैट डे में बदलता है, टुडे डैट डे में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे रमेश आस्कर्ड, रमेश ने पूछा, वेयर ही वॉज गोइंग डैट डे, उस दिन वह कहाँ जा रहा था। ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट जबकि डायलॉग वाले हैं, संवाद वाले हैं, तो एक तो होता नहीं, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, हमें दोनों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। अब हम इसको बनाएंगे संजय वाले को, तो संजय सेड आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, संजय ने कहा मैं आज बाजार जा रहा हूँ। तो संजय ने यहाँ पर क्या किया है, संजय ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है, तो संजय रिप्लाइड, संजय ने जवाब दिया, संजय रिप्लाइड डैड। मैंने डैड कनेक्टिव क्यों लगाया, विशेष ध्यान देना, मैंने यहाँ पर वायर क्यों नहीं लिया, आप वापस मत लेना वायर, क्योंकि हमें इस सेंटेंस का बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये जब हम अंदर की तरफ झांकेंगे तो डियर स्टूडेंट हमें पता लगेगा कि ये एक एजरेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल टेंस का वाक्य है। आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाग है कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ। और अपने को पता है कि जहाँ पर सिंपल सेंटेंस होते हैं वहाँ पर कनेक्टिव डेट लगाया जाता है। तो संजय रिप्लाइड डेट, संजय ने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे मैं आज बाजार जा रहा हूँ, तो आई किसके पास जाएगा, संजय के पास, क्या बनेगा यहाँ पे, ही। टेंस को चेंज कर लीजिए, वॉच, फिर गोइंग टू मार्केट, और टुडे बदल जाएगा डैट डे में। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इन दिस वे द मैनी क्वेश्चंस हैज appeared in your examinations of RPSC board class and CBSC 2.
So please focus on these kind of the sentences. I hope that you are understanding better from my this video. I have explained you very well. इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले डायलॉग वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उनको हल किया जाता है. डियर आपकी खाली जगह भी जैसे कि डॉट 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 में भी आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो. डॉट 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 में भी आ सकते हैं तो उनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं. आज हम स्पेशली डायलॉग वालों पे हम फोकस डाल रहे हैं. डियर डायलॉग वाले आते रहते हैं इसीलिए बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें तो भाई एक सेंटेंस वाला ही आता है, ये दो दो कहाँ से आ गए, हम कैसे करें. तो समस्या ख़त्म. आराम से देखिए और सीखिए. रोहन रोहन सैड Rohan said to Meena. Rohan said to Meena, "Where are you? Where are you coming from?" Rohan ने Meena से कहा, "Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रही हो?" Dear student, अब कई बार क्या होता है कि ऐसे आ जाता है मीना करके फिर डॉट 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 आ जाता है. तो ऐसे को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि कैसे मुझे क्या करना है. और सिंगल में भी आ सकता है और कहीं बार पैटर्न डबल में भी आ सकता है कि वापस रोहन नाम लिखकर यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर लेते हैं, दूसरी तरफ मीना नाम लिखकर फिर वापस डॉट 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 कर सकते हैं. मैं आपको ये सारे तरीके बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप हल करोगे. पहला वाला जो है रोहन सेड टू मीना वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम और अपने को एक ही लाइन दी है तो यहाँ पर हम करेंगे कि भाई केवल मीना का जवाब देना है. रोहन पूछता है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, तो मीना रिप्लाइड रिप्लाइड. मान लीजिए यहाँ पर मीना का जवाब भी दिया हुआ होगा तभी हम कर पाएंगे. जैसे मीना सैड आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आ रही हूँ. डियर स्टूडेंट अब हमें डॉट डॉट वाला दिया हुआ होगा यानी रोहन करके फिर आपको ऐसे 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 डॉट दिया होगा, दूसरी तरफ मीना फिर आपको वापस खाली जगह टाइप ऐसे डॉट डॉट में दिया हुआ होगा. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे करना है, ये तो हमें कभी बताया ही नहीं. तो विशेष ध्यान देना आपके जो आंसर की हैं वो यही है, दोनों आपका आंसर की हैं, बस पढ़ के इनको सॉल्व करना है. लिखा है रोहन सेड टू मीना, रोहन ने मीना से कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, यानी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है. तो पहले वाला बनाना है रोहन आस्कड मीना. आस्कड क्यों लगाया, क्योंकि अंदर क्वेश्चन है. रोहन आस्कट मीना, फिर वेयर का वेयर यू जाएगा मीना के पास, वेयर सी वॉज, टेंस को चेंज कर दिया, वेयर सी वॉज कमिंग फ्रॉम और फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए. ये हो गया इसका, ठीक है ना. ऐसे अगर बोर्ड में आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है. डियर स्टूडेंट अब दूसरे वाला देखिए कि मीना ने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रही हूँ, तो मीना ने एक रिप्लाइड दिया है, मीना रिप्लाइड डैड, फिर मीना आई जाएगा मीना के पास बन जाएगा सी वॉज कमिंग
She was coming from school. Dear student, इस प्रकार से आपको अगर डॉट 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 में भी आ जाए तो आप आसानी से ये कर पाओगे. डियर स्टूडेंट, आज का जो ये टॉपिक था डायलॉग वाला, आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर चुके होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है. अब मैं आपको आज मिक्स में प्रैक्टिस के लिए होम असेसमेंट दे रहा हूँ, उसे आप कवर कर लीजिए. मेरे को आप सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने आंसर सेंड कर देना. लीजिए, आज मैं आपको मिक्स में सेंटेंस दे रहा हूं, आप हल करना. रोहन सेड टू मी आर यू कैचिंग दिस ball easily? Question number 2. Ravi said, who are you? Manisha said, I am a girl. Rakesh said to her, You have seen my photographs. You have seen my photographs. Dear student, आगे लीजिएगा. Sentence number four. Rahul said to her, Can you show me your face? Question number 5. Neha said to Reena, take your admission soon. Sentence number 6. Naresh said to Rakesh. Naresh said to Rakesh, he helps me in any situation. Sentence number 7.
Sentence number 7. Sentence number 7. Rishabh said, shall I run fast, Reena said, yes. Sentence number 8. Bharat said to me, you gave me good advice yesterday. Dear student, sentence number 9. These are all sentences for your best practice at your home. Please solve direct to indirect all of and send me your answer sheet. I will check it. Nisha said, alas, my pet dog is no more. Sentence number 10. Rahul said to principal, please accept my application. Okay, dear student, I have given here 10 sentences for your better practice. Dear student, I fully try to give you the whole kind of sentences for your practice, but many sentences left here because here is the foundation of time. Video will be the short and sweet for you so that you can learn better. I will give you more to more in my next previous classes. So please do the whole kind of sentences solve at your home in very well way. If you have any kind of problem, then dear student, ask me the many questions. I will fully try to satisfy you. I will fully try to help you. Dear student, one thing keep in your mind, when you do solve the whole questions, then please mind up. First of all, you must read the sentence very carefully, both the reporting verb and reported verb. Dear, when you will read the reporting verb, then you will find that which tense is included here. If the sentences are based on the C's, then please do not change the tense inside of the reported speech. Dear student, if the sentence reporting verb is described in the said, then please change the tenses inside of the reported verb. Dear, after you must catch the tense and recognize which kind of the tense here, and please remember the bar very well.
I have written you the tenses already dead and I have taught you the whole tenses in my previous last videos and your previous classes. Dear student, if you will find the tense and you will do better, then nobody can wrong your sentence. And if you do to mistake the recognize the tense and you are doing the try to solve it all, dear student, you may get wrong. So please consider once again the whole tenses and try to direct to indirect report at your home. If you have any problem, then you can ask me. I am always 24 hours ready for you. Thank you very much. Attend my class and watch my video. Have a nice day. Best of.